हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं सन फार्मा स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करने की सलाह दी थी, जहां पे मैंने आपके लिए सपोर्ट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बाय करने की सलाह दी थी, और जिन लोगों ने लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो और मंडे से हम एक वीडियो ला रहे हैं डेली 8 बजे, उस पर हम सिर्फ 19 स्टॉकों पर बात करेंगे जिसमें ट्रेडिंग डे में मूवमेंट हो सकता है, तो फ्रेंड्स देखना ना भूले। तो अभी बात करते हैं स्टॉक का जो सपोर्ट है आपको नजर आ रहा होगा 1060 के आसपास, वहीं पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, रीटेस्ट भी किया और फिर से स्टॉक ऊपर गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जैसे ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और फिर स्टॉक ऊपर तरफ जा रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं इस स्टॉक में, टारगेट्स क्या होंगे? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट्स हैं, जो एक गैप है इसका, वो लगभग 950 के आसपास है, 950 से और 1050, यानी कि 100 रुपए का लगभग गैप है। तो यहां से आप लगा सकते हैं गैप 1160 रुपए के आसपास का टारगेट इस स्टॉक में आपको मिल सकता है, और ज्यादा भी स्टॉक में टारगेट मिल सकता है। आगे रेजिस्टेंस भी मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस में आपको क्या दिख रहा हो, कहाँ पे है रेजिस्टेंस, थोड़ा सा मैं 1200 रुपए पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में 1200 रुपए तक का आने वाले टाइम में टारगेट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। नजर बना करके रखें और खरीदारी भी कर सकते हैं, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा, और फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस पर ही स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।